तुमच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून उभा आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये कलेक्टर साहेबांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत आमच्याकडे दृष्टी आणला नाही तर आम्ही घेरावा घालण्याचं काम करू कलेक्टर साहेबाला. तर लोकशाहीमध्ये सर्व गोष्टी तयार आहेत. राहिले गुन्हे दाखल करून घेणे तर बहुजन समाज पार्टीला गुन्हे दाखल करून घेणे आम्हाला काही नवीन वाटत नाही. तिथे कर्मचाऱ्यांचे नेत्र बसलेले आहेत, कर्मचारी स्वतः बसलेले आहेत. आमच्यावर अनेकदा गुन्हे दाखल झाले तरी आम्हाला फरक पडणार नाही. हजार दोन वेळेस आता झाले तरी बहुजन समाज पार्टी न्यायासाठी ताकदीन मैदानात राहील. पहला उद्दिष्ट हा पहला उद्दिष्ट हमारा ये है कि बहुजन समाज पे अन्याय नहीं होना. दूसरी बात, जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी रास्ते पे मैदान में उतरती है. और आज जो औरंगाबाद सिटी में लेबर कॉलोनी जो है, जो सरकारी कर्मचारी रहे हैं उनको कुछ बेकानूनी तरीके से ये राज्य सरकार या औरंगाबाद के कलेक्टर साहब उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बेघर करने की कोशिश कर रहे हैं. और उनके न्याय हक में बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. इस उद्देश्य में हम इस मीटिंग के आयोजन किया. क्या लगता है आपको कलेक्टर किसके दबाव में आके काम कर रहे हैं? कलेक्टर साहब राज्य सरकार के दबाव में आके काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कोर्ट है, कोर्ट का निर्णय आने तक हमारा ऐसा कहना है कि साहब ने रुकना चाहिए, पर साहब रुक रहे नहीं है. इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि उनके उन पर दबाव है राज्य सरकार का. आपने एक मंत्री का भी नाम लिया, के अंदर बहुजन समाज पार्टी कलेक्टर के सामने आंदोलन जो करने जा रही है उसमें बहुजन समाज पार्टी सभी का नाम के साथ मैदान में उतरेगी. आपने अब्दुल सत्तार का भी उल्लेख किया, सत्तार सेठ का नाम लिया है, तो महसूल मंत्री होने के कारण वो बार बार दबाव दे रहे हैं, ऐसे हमारे लक्ष्य में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है. लेकिन उनको कह रहे हैं कि मैं लेबर कॉलोनी वालों के साथ नहीं, अभी वो तो राजकारण है, वो उनके हिसाब से बात करेंगे. इसमें तो हाईकोर्ट का निर्णय आया हुआ है. हाईकोर्ट का निर्णय आया हुआ है, पर हम ऐसे कह रहे हैं कि कुछ उसमें गलत रुकी है, कुछ बात कोर्ट से छुपी थी, वो हम न्याय सर्वोच्च न्यायालय में बताने की कोशिश कर रहे हैं. आंदोलन का इशारा दिया आपने, कितना बड़ा आंदोलन होगा? जन आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा. जन आंदोलन घर बचाने के लिए, घर बचाने के लिए और घर देने के लिए. घर देने के, घर देने के लिए भी मांग करेंगे हम. और बहुजन समाज पार्टी सरकार पे ये न्याय मांगेंगे कि ये टूटना नहीं चाहिए, जो टूटता है तो नए घर बस्ती बनाने की उनकी काम. आपको क्या लगता है, घर नए देने के लिए आंदोलन करना चाहिए या घर बचाने के लिए? आपको लगता है घर बचेंगे? पहले तो हम कोर्ट से हमारी ये विनती रहेगी कि हम बचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. हमारे विरोध में कभी कोर्ट का निर्णय भी जाता है तो हम आने वाले ये बोलेंगे कि रोटी कपड़ा मकान दे ना सकी वो सरकार निकम्मी है, क्योंकि रोटी कपड़ा देने के ये सरकार ने आश्वासन किए थे और ये भारत के नागरिक है तो इनको रोटी कपड़ा मकान देना जरूरी है सरकार. लेकिन जो लोग रस्ते पे आ रहे हैं उनके लिए आपके पास क्या करेंगे? हम रस्ते पे आंदोलन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अभी एमपी एमएलए महाराष्ट्र मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक आंदोलन से बहुत लोकशाही में होता है, क्योंकि बाबा साहब ने लोकशाही में अधिकार दिया है कि अधिकार और सरकार भी दबती है आंदोलन में. आपका नाम? मैं बहुजन समाज पार्टी प्रदेश सचिव सचिन बंसोड़ा.